अपराधी में प्रशासन का खौफ कम क्या नहीं के बराबर है। और मुरलीगंज एक अपराधी घटना का केंद्र बन चुका है, लेकिन आज तक किसी भी घटना का सही उद्भेदन और सही अपराधियों की पकड़ धकड़ नहीं हो पाई है। आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार, मैं हूं आपके साथ बंटी कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में है और मधेपुरा की ये मुरलीगंज है। आप देख सकते हैं कि बीते रात जो खाद दुकानदार पर एक गोलीकांड हुई थी, अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर मतलब सफल रहे भागने में। और अगर हम बात करें कट्टा की, तो कट्टा वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन आधे घंटे बाद जो है प्रशासन वहाँ पर जो है व्यवसायियों का आरोप है कि आधे घंटे बाद प्रशासन जो है घटनास्थल पर पहुंची। लगातार जो है प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो चलिए और चल के हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मामला है, क्यों आप लोग दुकानें बंद कर। बता दूं कि बिहारीगंज में भी इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आई थी, जो अभी भी बिहारीगंज में बाजार बंद है। सातवें चरण की मतदान भी आज वहाँ पर जा रही है, लेकिन लोग एकता का परिचय दे करके जो है बाजार बंद किए हुए। तो मुरलीगंज में भी इसी तरह को देखने को मिला है नज़ारा, जो आप साफ तौर से तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। तो चलिए हम चल के यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। देखिए, आए दिन मुरलीगंज बाज़ार में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। जैसे अपराधी को प्रशासन का कोई भय नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे कोसी कमिश्नरी में आए दिन हर जगह, और मुरलीगंज एक अपराधी घटना का केंद्र बन चुका है। आपने पिछले दिनों भी बैजू जबर हत्याकांड का मामला देखा होगा, इससे पहले भी कई व्यवसायियों के साथ लूटपाट हो चुकी है। प्रशासन अपनी खानापूर्ति में बस जब घटना होगी उसके एक घंटा दो घंटा के बाद ऑन स्पॉट पहुँचेंगे, और एक खानापूर्ति के नाम पर वो अपनी प्रतिक्रिया करके बयान लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आज तक किसी भी घटना का सही उद्भेदन और सही अपराधियों की पकड़ धकड़ नहीं हो पाई है। अपराधी में प्रशासन का खौफ कम क्या नहीं के बराबर है। अब तो ऐसा लगता है कि अपराधी ही प्रशासन ही अपराधियों के खौफ खाए हुए हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में होती रहती है, लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देके रहते। बीते दिन भी ऐसा मामला जो मुरलीगंज, आज इसी वजह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये बंदी का आह्वान किया गया है कि प्रशासन को एक हम लोग विरोध अपना प्रदर्शन तय कर रहे हैं कि इस व्यवसायी ना तो भाला लेके, ना तो बंदूक लेके, ना तो तीर लेके रोड पे खड़ा रहेगा। उसके पास एकमात्र हथियार है अपना व्यवसायी। उस व्यवसायी को बंद कर प्रशासन को एक पुरजोर विरोध के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना यह आह्वान किया है। इस आह्वान के तहत हम लोग प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, जो इस घटना का उल्लेख जो दिन दहाड़े हुआ है उसका उद्भेदन किया जाए। अगर इस तरह की जो है बाजार बंद रहेगी, प्रशासन किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं लेते, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद आज हम लोग का सांकेतिक प्रदर्शन विरोध प्रशासन के विरोध में ये है। उसके बाद हम लोग, अगर शाम तक किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के द्वारा एक बैठक तय की जाएगी। उस बैठक में आगे के दिशा निर्देश तय किया जाएगा, फिर आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। रात में जैसे कि गोलीकांड हुई और उसके बाद आधे घंटे बाद प्रशासन की गाड़ी पहुंची, इनके लिए आप क्या कहना चाहिए, जो कि नजदीक में 100 मीटर 150 मीटर की दूरी में थाना। जब प्रशासन को फोन किया गया तो पता चला कि सारे के सारे प्रशासन अपने चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है। ये पूरा थाना मुरलीगंज प्रखंड 17 पंचायत के अंतर्गत आता है, और सारा पूरे थाने में मात्र 2 पुलिस बल तैनात थे, जिनको फोन करने के आधे घंटे के बाद प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचती है। और पता चलता है कि गश्ती दल के जो कमांडो है उसे भी चुनाव प्रचार में लगा दिया गया है, जबकि एक्स्ट्रा यहां पे प्रशासन के नाम पे कोई भी व्यक्ति का आवागमन नहीं। क्या नाम है? राजीव जयसवाल, कार्यकारिणी सदस्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमें सुरक्षा चाहिए का जो बैनर तले यहाँ पर जो है मुरलीगंज में व्यवसाय जो है दुकानें बंद कर रहे, तो बहरहाल ऐसे ही लगातार हम आपको देते रहेंगे अपडेट, देखते रहे मधेपुरा संचार।